चलिए अब थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। गिरावट के बाद मार्केट का टेक्सचर कैसा है, ये मौका खरीदारी का है या अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं मार्केट वेटरन पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट। दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। क्या आपसे लोग पूछने लगे हैं अब कि क्या बेचना है इंस्टेड ऑफ क्या लेना है, क्योंकि काफ़ी मार्केट में 2-3 दिन में पेन आया है। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज जी, देखिए जिस तरह से बाजार ने भी किसी को मौका नहीं दिया और शायद बाजार भी मौका ही ढूंढ रही थी, और जिस तरह से जो सेल ऑफ हुआ है, आई थिंक इट हैज कॉट एवरीबडी अनअवेयर। बट ये एक एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट कोई भी एक वजह को साथ में लेकर उसके लिए करेक्शन की तरफ चल सकती है, और जहां पर हमने देखा कि इतना बड़ा एफआई का सेलिंग आ गया कल, जिसका कोई एक एक्सप्लेनेशन अभी तक आया नहीं है कि आइदर दे हैव सोल्ड सम ब्लॉक डील हुआ है, वैसा भी कुछ आया नहीं है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय। वी ऑल नो दैट द मार्केट्स आर सिंपली अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पर हमको बहुत इन्वेंट करना पड़ता है रीजंस टू जस्टिफाई द वैल्यूएशन, लेकिन अभी एक थोड़ा बहुत भी अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा शायद कॉशियसली वेट करना चाहिए बिफोर यू ट्राई टू एंटर। लॉन्ग टर्म तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन मार्केट्स आर द बेस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट। सो आई थिंक ओवरऑल वी शुड लुक, वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल इंस्टेड ऑफ बी इन अ हरी टू कमिट। अच्छा, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा बर्निंग सवाल है वो है एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है इस समय दिलीप जी? एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें, अभी भी जिस तरह से जो सेलिंग हुई है, अभी भी ऐसा है कि इट इज स्टिल रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक। जो अगर जो टेक्निकली हम देखें कि अगर ये रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक है और जिसका परफॉर्मेंस इज नाउ यू नो इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग प्रीमियम टू द अदर बैंक्स। और हम मैं बार बार यही कहते आ रहा हूं कि जब भी कोई मेजर मैनेजमेंट चेंज होता है, जब आदित्य पुरी जी निकल गए, उसको जाते हुए 2-3 साल हो गए, अभी द एंटायर टॉप ब्रास ऑफ एचडीएफसी मैनेजमेंट, दीपक पारे, ऑल दोस पीपल हैव लेफ्ट, तो ये अभी क्वेश्चन यही डिबेट होगा कि शायद एचडीएफसी बैंक को वो प्रीमियम मिलना चाहिए या नहीं, और अनलेस एंड अंटिल उनका परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट होता है। No doubt about it, it's an excellent bank with an excellent track record, but under the new management, और एक दो साल markets जरूर इसको wait करेगी, and I also think that one should own this bank, but I think significantly below the market index, the Nifty index, I mean. चलिए, तो ये बात होगी HDFC बैंक पर। एक और व्यू मैं चाहूँगा आपसे आज के दूसरे बड़े एक्सीडेंट पर, LTIMindtree। आईटी में कुछ कंपनियों में बिल्कुल स्पेस नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का, स्पेशली आफ्टर द रैली, लेकिन यहाँ पर आपका क्या व्यू है इस समय? मुझे लगता है ये एक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स था जिन्होंने मिड कैप से बिग कैप में बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिट किया, और इनके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे थे। मुझे लगता है इन अदर देन द फ्रंट लाइन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ओवरऑन स्टॉक, और काफी इसको लोग फेवर कर रहे थे, और ये जो रिजल्ट आया ये जरूर एक्सपेक्टेशंस के बिलो है, और शायद यही एक मौका है कि जहां पर करेक्शन हो रहा है। बट ये एक स्टॉक जरूर अपने रडार में मैं रखूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ से और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो जरूर वन शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म बेसिस, बिकॉज दिस सर्टनली इज अ कंपनी जिन्होंने अच्छी डिलीवरी दी है इवन इन द पास्ट, वेदर इट इज टॉप लाइन, एबिटा मार्जिन, फ्री कैश और आरओई, सब में उसने काफी अच्छा और पैरामीटर्स में इट हैज डन वेल। सो आई विल सर्टनली लुक टू एंटर द स्टॉक at reasonable levels. I will slightly wait for some more correction to happen. बिल्कुल। दिलीप जी, एक और स्पेस जहाँ पर अब लोगों ने पैसा बहुत बनाया लेकिन ऑफ लेट रेगुलेटरी कंसर्न्स आई, ये वायर वाली कंपनीज, स्पेशली पॉलीकैब। अब आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर? मुझे लगता है शायद आई थिंक रेगुलेटरी इश्यू आ गई है, बिकॉज देर आर सम रूमर्स अबाउट
सेल्स नॉट बीन अकाउंट इन द ऑफिशियल चैनल। और जहां पर ये बी टू सी का मामला है, बी टू सी सबसे ज्यादा पॉलीकैप में है, और यहीं पर एक मौका मिलता है जहां पर ये डाउट्स आ सकते हैं। अगर हम बाकी बाकी सब कंपनीज में देखें तो बी टू सी का सेल्स इतना बड़ा नहीं है और इट इज मोर ऑफ बी टू बी, लेकिन ये जरूर चल, ये जरूर हो रहा है कि वेदर इट इज हैवेल्स, केईआई, ये सब बी टू सी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे रीरेट हो गए हैं। तो हमको लगता है शायद एक पॉलीकैप की वजह से बाकी सबको कॉन्टेजियन इम्पैक्ट आएगा, ऐसा हमको नहीं लगता, बिकॉज द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड, द डिमांड कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट, और ये दोनों बी टू बी प्लेटफॉर्म और बी टू सी दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। तो यहाँ से भी ये कंपनीज ठीक लगती है, इवन पॉलीकैप आई वुड से इन स्पाइट एंड डिस्पाइट व्हाटएवर थिंग्स आर कमिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन और हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। शायद लोग पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू, बट आई एम श्योर दैट थिंग्स विल बी रिजॉल्व मच सूनर देन लेटर। और जहां पर बहुत अच्छी प्राइवेट इक्विटी वॉज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऑफ पॉलीकैप, वी कैनॉट फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता है शायद ओवरऑल इस इंडस्ट्री को पॉलीकैप और द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री स्टिल कंटिन्यू टू लुक गुड। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए और देखिए आज का लो है 21,285, और जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 21,290 से शायद थोड़ी सी एक बाइंग आए और करीब करीब 100 पॉइंट के बीच की रिकवरी इस समय लोएस्ट पॉइंट से आ चुकी है। अब देखना है कि ये सस्टेन होती है या नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी है इस रैली, इस रिकवरी, रैली स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, इस रिकवरी का सस्टेन करना यहाँ पर। तो दिलीप जी, आप इस समय क्या थीम्स बैक कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा फ्रेश लगाने की एडवाइस है इस समय? तो मैं यही समझूंगा कि अभी भी ऑन एन ओवरऑल बेसिस कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड, आफ्टर हैविंग वेरी गुड ऑर्डर, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, उनका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा कंट्रोल में आ गया है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर जनरेटिंग रीजनेबली गुड फ्री कैश। तो मुझे लगता है companies like Larsen & Toubro, and within this space agar hum dekhe ke whether ki some of the second rung companies like Nagarjuna Construction ho, I think some of these companies will continue to do well, aur ye infra space aisa lag raha hai ki abhi bhi isme visibility kafi achhi rahegi, execution kafi acha rahega, aur mujhe lagta hai jo balance sheet ka issue hai wo thoda bahut zarur barkarar rahega, but overall I think the performance will be good. So infra is one where I think this is overall the things are going to be good. Or FMCG mein jarur hai, tactically from here on shayad do teen cheez ho sakti hai ki shayad rural recovery bahut achhi aa jaye to wahan par ek volume growth dekhne ko mile, with inflation once again trying to being and lekin aisa lag raha hai ki shayad FMCG walon ne price hike jo liya tha उसका उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। सो वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्राइस आई थिंक कैन रिजल्ट इन अ गुड पीबीटी ग्रोथ फॉर सम ऑफ दिस एफएमसीजी कंपनी ओवर नेक्स्ट 3 to 4 quarters। तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए एफएमसीजी में भी। रियल एस्टेट में बहुत बड़ी रैली हुई है दिलीप जी, रियल एस्टेट और पूरे के पूरे रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हुई, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? मुझे लगता है अनुज जी, रियल एस्टेट स्टिल इज स्टिल कंटिन्यूस टू लुक गुड, लेकिन यही मान के चले कि रियल एस्टेट में जो प्रीमियम सेगमेंट है और उसके जो नीचे का स्लाइड जरा लोअर सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग का ग्रोथ अभी भी बहुत म्यूटेड है, लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज विल मेक मोर मनी इन द प्रीमियम रियल एस्टेट्स। हमको लग रहा है कि शायद दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू शाइन, विल कंटिन्यू टू शो गुड ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ बुकिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, और शायद अगले 2 साल तक रियल एस्टेट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ से भी एक इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग अप and property prices on the whole also are going up. So I think ye dono ko dhyan mein rakhte hue lag raha hai ki real estate should still ek abhi bhi dhyan dekar usme invest karna chahiye.
ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये पेडिग्री एडवाइजरी नाम रखने का कैसा सोचा आपने, और इसका एक रीजन बताइए जरा। सो वेल आई थिंक ये थोड़े फाउंडर्स के बेसिस के ऊपर भी नाम रखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत के इट डिनोट्स दैट वी होप टू गिव अ बेटर प्रीमियम एडवाइजेस गोइंग फॉरवर्ड, और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम रखा हुआ ओके, बहुत शानदार। ठीक है, अब समझा मैं एक्चुअली नाम देखकर दोनों। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, और आपको ऑल द बेस्ट।